मात्र 10 रुपए के अंदर लोगों को गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं। तुम फूड बोलिए, खाना बोलिए, सेवा बोलिए, जो आपके मन में है वो बोलिए। 10 रुपए के अंदर आपको 4 कचौड़ी और 10 रुपए के अंदर आपको 4 समोसे, 10 रुपए के अंदर आपको 4 आलू के पराठे। तो ये बहुत 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 कमाल की बात है। आज आप देख रहे हैं, आज हम लोग आए हैं श्री श्याम रसोई पे, और इनकी खास बात यह है ये मात्र 10 रुपए के अंदर लोगों को गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ सेवा भाव से, और मात्र 10 रुपए के अंदर आपको 10 रुपए में 4 कचौड़ी, 4 समोसे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, और साथ में 4 रोटी और सब्जी। मेरा नाम प्रवीण कुमार गोयल है। प्रवीण जी, मुझे बताइए ये आइडिया। मैं एक बार जा रहा था, वहाँ 10 रुपए में खाना नहीं मिला किसी आदमी को, ठीक है। उस दिन मेरे मन में आया कि दिल्ली शहर के अंदर 10 रुपए में खाना शुरू कर, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं क्या दे रहा हूँ, 10 रुपए में 4 रोटी और सब्जी दे रहा हूँ, ठीक है। और 10 रुपए में कढ़ी चावल, 10 रुपए में राजमा चावल, ठीक है। 10 रुपए में दाल चावल, 10 रुपए में छोले चावल, और उसके बाद 10 रुपए में 4 समोसे, और उसके बाद भी कचौरी भी है मेरे पास, और ब्रेड पकौड़ा भी है, बहुत आइटम। तो ये मात्र जो आइटम है 10 रुपए के अंदर दे रहे हैं। 10 रुपये। और बात कर लेते हैं, अगर आपने लिखा नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर किसी दिन लॉस हो जाए तो? नहीं, लॉस का तो ऐसा नहीं, लोग दान बहुत आता है, ठीक है। दान दाता बहुत है, ठीक है। जैसे सामान भी सस्ता मिल जाता है बाजार से, ठीक है, जो कम से कम रेट पे सामान मिल जाता है, मतलब कम से कम रेट पे सामान मिल जाता है। और मान लीजिए अगर किसी का पैसे नहीं हुए, उसको सबसे पहले मिलेगा, वो शान से खाए, भरपेट मिलेगा, भरपेट मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, ठीक है। टोकन वाले को बाद में मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, तो पहले खाना उसको मिलेगा, और शान से खाए, ये कहे भाई साहब मेरे को टोकन दो, मैंने खाना खाना है, उसको पहले मिलेगा। तो लीजिए जनाब, जिस गर्मा गर्म फूड बोलिए, खाना बोलिए, सेवा बोलिए, जो आपके मन में है वो बोलिए, क्योंकि आपको यहाँ से 10 रुपए देने हैं और आपको 10 रुपए के अंदर ये फूड मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को दिखा देंगे एक बार हम लोग, आप देख रहे हैं, मतलब हमने 2 ही कचौड़ी ली हैं क्योंकि हमने अभी कहीं और शूट करने जाना है। 10 रुपए के अंदर आपको 4 कचौड़ी, और ये इनके एकदम आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया मसालेदार छोले, और वही सेम इसके अंदर 10 रुपए के अंदर आपको 4 समोसे, और समोसे देख रहे हैं एकदम फ्रेश समोसे हैं, और वही छोले की सब्ज़ी। और बात कर लेते हैं इनकी थाली की, इनकी जो थाली है आप देख रहे हैं रायता है इसके अंदर, इसके अंदर छोले हैं, और इसके अंदर इनके एकदम ब्लैक राजमा, मतलब आप देख बिल्कुल प्रॉपर फ्राई और सिके हुए, और ये इनके बासमती राइस, और हमने बताया था आपको इन्होंने नया स्टार्ट किया है, इससे 10 रुपए के अंदर आपको 4 आलू के पराठे। तो मैंने आपको सारा फूड दिखाई दिया, ये जितना भी फूड है 10 रुपए के अंदर है, ये बहुत 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 कमाल की बात है। तो ज़्यादा बात ना करते, मेरे मुँह में पानी आ रहा है और मुझसे रुका नहीं जा रहा है, इतना लाजवाब फूड है और इसकी खुशबू एकदम ज़बरदस्त। तो सबसे पहले कहाँ शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि सारा फूड ही बहुत बढ़िया है। तो एक छोले टेस्ट कर लेते हैं पहले इनके, स्वाद की बात ना करें तो बढ़िया है, मतलब छोले इतने ज़बरदस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज़बरदस्त। और आप देख ही रहे हैं इनके, एक बाइट ले लेंगे कचौड़ी के साथ, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है। कचौड़ी जो है एकदम क्रिस्पी जो फील दे रही है, इसके बड़े फ्लेवर का, मतलब कचौड़ी क्रिस्पी ना हो तो मज़ा नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देख रहे हैं कि ऑयली नहीं है, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्रिस्पी बन, आप देखिए, मतलब एकदम बढ़िया क्रिस्पी फूड, बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं इनका समोसा, और इसमें जो फिलिंग कर रखी है वो फ्राई वाले मसाले आलू जो हैं फिल कर रखे हैं, और समोसा भी एकदम क्रिस्पी है, यानी कि फूड में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये भी सिर्फ 10 रुपए के अंदर आपको। जबरदस्त, जो ये फूड है
स्वाद तो बढ़िया है ही, साथ में आप देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी भरपूर है एक सिंगल आदमी के लिए। तो जो थाई लगवाई थी अपने लिए, अब एक बाइट ले लेते हैं इनकी, राजमा की इनके, आप देख रहे हैं राजमा एकदम इनके जो हैं एकदम ब्लैक राजमा आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया लाजवाब। और ये इनका रायता, स्वाद है ही बढ़िया यार, मतलब स्वाद में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इनके अब बाइट लेंगे जो इनके आलू के पराठे हैं, साथ में इन्होंने छोले सर्व किए उनके साथ, फिर एक बाइट लेंगे इसकी राजमा के साथ। ओवरऑल जो फूड है वो एकदम बेहतरीन जबरदस्त, मतलब स्वाद ही कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। एक बाइट इनकी जो ने राजमा दी उसके साथ, फूड वाकई बहुत बढ़िया। साथ में उन्होंने दिए इनके बासमती राइस, पराठे ले लेना, पराठे ले लेना। फूड जो है वो बढ़िया कुक्ड है और साथ में यही ले लिया क्या, फ्रेश है। और ये इनका रायता, बहुत बढ़िया। और कमाल की बात तो यह है, ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लोग ये फूड खिला रहे हैं। और एक खास बात, यहाँ जो लोग इस फूड खा रहे हैं, यहाँ पे एक आम आदमी भी है और यहाँ पे एक गाड़ी वाला भी है और स्कूटर वाला भी है, मतलब ओवरऑल फूड जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब एक बाइट ले लें, क्योंकि स्वाद बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। वही इनका आलू का पराठा है और प्रॉपर फिलिंग है आलू की, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया।